हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉइस पार्ट 4। टुडे विल डील विथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, चेंज ऑफ वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सी द फॉर्म ऑफ बी हियर। हियर वी बी विल बी चेंज इनटू वाज और वर। रूल्स पहले के जैसे ही रहेंगे। पहला रूल क्या था हमारा, एक्सचेंज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पोजीशन को आपस में बदलना है। दूसरा रूल, ऑलवेज यूज़ बी प्लस V3 वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना है, किसके साथ, बी के साथ। और यहाँ पे बी हमारा क्या है, वॉज होगा या वर होगा। थर्ड रूल क्या है, एड बाय प्रीपोजिशन बिफोर द रियल सब्जेक्ट। जो भी आपका रियल सब्जेक्ट था सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, उसके पहले हम क्या लगा देंगे, बाई प्रीपोजिशन लगा देंगे। आपको ध्यान रखना है कि किसी भी हाल में टेंस हमारा नहीं बदलना चाहिए। जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो टेंस हमारा नहीं बदलना चाहिए। लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल्स। देखिए यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है, शी क्लीन्ड माई रूम, उसने मेरा कमरा साफ़ किया। आपको पता है जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस लेते हैं तो उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज़ होता है, सेकंड फॉर्म यूज़ होता है। टेंस पे मैंने स्लाइड बनाया है, पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने से पहले आप टेंस का स्लाइड ज़रूर देख लें। देखिए कैसे चेंज करेंगे, मैंने बताया आपको कि बी का फॉर्म क्या होगा, वॉज या वर। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, माई रूम, तो माई रूम से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। माई रूम सिंगुलर है इसलिए वॉज लगेगा, और क्लीन का थर्ड फॉर्म भी क्लीन्ड ही होता है, इसलिए लिखेंगे हम माई रूम वॉज क्लीन्ड बाई हर। शी जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आकर क्या बन गया, हर। क्या मतलब हुआ इसका, उसके द्वारा मेरा कमरा साफ किया गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गीता ड्रॉप द बॉटल, मतलब गीता ने बोतल गिरा दिया। कैसे बनाएंगे इसको, सेम रूल वुड बी फॉलोड, द बॉटल आगे आ जाएगा सब्जेक्ट की जगह पर। द बॉटल सिंगुलर है इसलिए वॉज, ड्रॉप का थर्ड फॉर्म ड्रॉप्ड बाई गीता, नाउन है जिसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, गीता को हम गीता ही लिखेंगे। See the next example. See here, I have taken examples with unknown subject, unidentified subject. जब आपको पता नहीं होता है कि subject कौन है, जिसको हम कैसे start करते हैं, somebody से या someone से। देखिए यहाँ पर, somebody broke my chair, किसी ने मेरी कुर्सी तोड़ दी। Same rule, object की जगह पर subject और subject की जगह पर object. तो माई चेयर से शुरू करेंगे, माई चेयर सिंगुलर है इसलिए वॉज, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, मेरी कुर्सी तोड़ दी गई। लेकिन बाई समबडी हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा अननोन है। पिछले वीडियो में भी मैंने समबडी वाला प्रयोग बताया था आपको, तो ध्यान रखना है आपको। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, समवन स्कैटर्ड ऑल द थिंग्स, किसी ने सारी चीज़ें बिखेर दी। अब आपको पता नहीं है कि ये समवन कौन है, है ना, अननोन सब्जेक्ट है, तो ऐसे केसेस में बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, हमको सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी नहीं होता है। देखिए ऑल द थिंग्स हमारा ऑब्जेक्ट था जो अब सब्जेक्ट बन गया है, प्लूरल है इसलिए वर लिखेंगे, और स्कैटर का थर्ड फॉर्म स्कैटर्ड, बाई समवन नहीं लिखेंगे। तो हमारा पैसिव कैसे बनेगा, ऑल द थिंग्स वर स्कैटर्ड, सारी चीज़ें बिखेर दी गई। नाउ सी सम सेंटेंसेस विथ नेगेशन इन देम, मीन्स नाउ विल डील विथ नेगेटिव सेंटेंसेस। शी डिड नॉट स्किप द रोप, वह रस्सी नहीं कूदी। कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट। द रोप सिंगुलर है इसलिए वॉज, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, स्किप का थर्ड फॉर्म स्किप्ड बाई हर, शी जो है ऑब्जेक्ट फॉर्म में आकर हर बन जाएगा, मतलब उसके द्वारा रस्सी नहीं कूदी गई। ये आपको ध्यान रखना है
कि जैसे रोप है यहाँ पे मैंने लिखा है, तो द रोप है तो बिगिनिंग भी द रोप से होना चाहिए। अगर अ रोप होता तो अ रोप होता। मतलब कुछ भी आप अगर कोई भी आर्टिकल लगा है उसके पहले, या कोई एडजेक्टिव लगा हो या कुछ भी लगा हो, उसको मिस नहीं करना है। एग्जैक्टली वही लिखना है जो ऑब्जेक्ट में हमारा है। मतलब कि जब हम चेंज करते हैं तो मीनिंग बिल्कुल भी नहीं चेंज होना चाहिए, जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो। नेक्स्ट देखिए, आई डिड नॉट ईट द एप्पल एट नाइट। तो जब भी आपको लॉन्गर सेंटेंसेस मिले जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावे, वर्ब के अलावे भी आपको कुछ और पार्ट मिले, तो आपको कुछ करना नहीं है, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को आइडेंटिफाई करके रख लेना है। फिर जैसे आप पैसिव बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, और जो एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं जैसे इसमें एट नाइट है उसको एज इट इज़ लिख देंगे, जैसे का तैसा लिख देंगे। देखिए जैसे मैंने बनाया है, ऑब्जेक्ट हमारा है दी एप्पल, उसके बाद सिंगुलर है इसलिए वॉज, नेगेटिव सेंटेंस है नॉट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और आई ऑब्जेक्ट फॉर्म में आके मी बन गया, बाई मी। और उसके बाद आपका एक्स्ट्रा वर्ड्स क्या थे, एट नाइट, उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। इसलिए लॉन्गर सेंटेंसेस भी होंगे, कितने भी लंबे सेंटेंसेस आपको मिले, आपको टेंशन नहीं लेना है, बस रूल्स फॉलो करना है। नाउ सी सम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हाई डिड ही टच योर बुक, वह तुम्हारी किताब क्यों छुआ। कैसे बनाएंगे, पहले भी मैंने बताया आपको पहले वीडियोज़ में, जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा एक्टिव में, उसी क्वेश्चन वर्ड से आप पैसिव में स्टार्ट कीजिए। व्हाई वॉज योर बुक टच्ड बाय हिम। ही जो है सब्जेक्ट था हमारा, जो ऑब्जेक्ट में आकर हिम बन गया, और सब्जेक्ट क्या है, योर बुक, सिंगुलर है इसलिए हमने वॉज लगाया। क्या मतलब हुआ उसका, उसके द्वारा तुम्हारी किताब क्यों छुई गई। दूसरा सेंटेंस देखिए आप, हाउ डिड शी डू द मैजिक, उसने जादू कैसे किया। सेम प्रोसीजर वुड बी फॉलोड, हाउ वॉज द मैजिक, डू का थर्ड फॉर्म डन, बाई हर, शी जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में आकर हर बन गया, मतलब उसके द्वारा जादू कैसे किया गया। अब यहाँ देखिए, ये एक एग्जांपल मैंने लिया है यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं, मैंने पहले बताया आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देख ले, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस का वीडियो। देखिए यस नो वाले इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने कहा कि इंट्रोगेटिव वाले एक्टिव पैसिव सेम वर्ड से स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहाँ जो पास्ट टेंस वाले होते हैं डिड से स्टार्ट हुए, तो हम डिड से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं पैसिव वॉइस, इसको हम किससे स्टार्ट करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वॉज शी हर्ट, हर्ट थर्ड फॉर्म में भी, तीनों फॉर्म में हर्ट ही होता है, हर्ट बाई मोहन, क्या उसको मोहन के द्वारा चोट पहुँचाई गई। तो इस तरह से हम यस नो वाले इंट्रोगेटिव पास्ट इंडेफिनिट के बनाते हैं। दूसरा एग्जांपल देखिए, हु प्लेटेड योर हेयर। हु वाले सेंटेंसेस को भी मैंने पहले वीडियोस में एक्सप्लेन किया है एक्टिव पैसिव के, उसको देख लेंगे आप फिर से और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी। हु प्लेटेड योर हेयर, तुम्हारे बाल किसने गूंथे। कैसे बनाएंगे, एक तो जो पहला रूल मैंने आपको बताया कि सेम इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होंगे, हु वॉज योर हेयर प्लेटेड बाई, या फिर आप बाई हुम से स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को, बाई हुम वॉज योर हेयर प्लेटेड, किसके द्वारा तुम्हारे बाल गूंथे गए। तो इस तरह से हमने आज पास्ट इनडेफिनिट टेंस के एक्टिव पैसिव वॉइस को डील किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट टेंस के ही दूसरे टाइप को लेकर के आएंगे। टिल देन